तो दोस्तों किसी भी ब्रांड की पहचान उसके लोगो से ही होती है। चाहे आप यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हो, चाहे आप किसी शॉप के लिए बनाना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस पर्पज के लिए लोगो ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसा ही लोगो आपको बना के दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस लोगो बनाने के लिए यहाँ पर हमने पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपको थ्री डॉट पे चले जाना है, और जैसे ही थ्री डॉट पे जाएंगे यहाँ पर इमेज साइज पर हम जाएंगे, यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे 12x80, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी हम हटा देंगे, डिलीट वाले बटन से इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड कॉर्नर पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सर्कल पे जाएंगे और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को हम जीरो कर देंगे। देन उसके बाद स्ट्रोक पे जाएंगे और इसका स्ट्रोक बढ़ा लेंगे 20% कर लेंगे। उसके बाद टिक पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके साइज को यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको ग्रिड लाइन दिख रही होगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। ये होता है एक मैग्नेट, जो कि देखिए यहाँ पर जैसे इधर उधर ले जाएंगे तो रेड कलर का लाइन दिखेगा, यानी कि सेंटर पर है। अब यहाँ पर हम इसको ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे। अब दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम जो है अल्फाबेट उसको हम लिख लेंगे। अब देखिए इसके साइज को बढ़ाने के लिए ए वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से साइज वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे और इसके साइज को इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो जितना हमें बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ग्रिड लाइन को ऑन करेंगे, इसको हम सेंटर पे सेट करेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद इसी ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ए बी फॉन्ट, और यहाँ से इसके हम फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जो फॉन्ट लिया है उसका नाम है गोरे हैंड स्ट्रेट। देन उसके बाद ओके कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है 3D रोटेट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वाई एक्सिस में इसको हम रोटेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद टिक कर देंगे। अब यहाँ पर ग्रिड लाइन पे जाएंगे और इसको सेंटर पे सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब उसके बाद इसके कलर को हम ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अभी देखिए हो चुका है। देन उसके बाद जो यहाँ पर जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पर, इसको लॉक कर देंगे। अब उसके बाद अगेन हम चले जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, और यहाँ पर जाने के बाद शेप्स पे जाएंगे, शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसको साइज को छोटा करेंगे। तो देखिए शेप को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे हम लेयर वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए बॉक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है एच और जो हमने शेप बनाया हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो है इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है ओके कर देंगे, तो एक दूसरे के साथ जो है ये मर्ज हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हेक्सागन वाले ऑप्शन पे चले जाएंंगे। यहाँ पर जाने के बाद जो है एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है इरेज कलर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद जो है टॉलरेंस को थोड़ा सा सेट कर लेंगे और ओके कर देंगे, कुछ इस तरह से। देखिए अभी हमारा एच हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जाएंगे लॉक कर देंगे इसको, ओके। अब उसके बाद जो देखिए यहाँ पर बेजियर पर चले जाना है, और बेजियर पर जाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से देखिए कुछ एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको एक डंडी दिख रही होगी, ठीक है, ये लंबी सी, तो इसी से इसको हम शेप को सेट करेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसी से इसको हम रोटेट वगैरह करेंगे इस बेजियर को। ओके, तो देखिए इस तरह से कुछ सेट हो चुका है। फिर उसके बाद अगेन जो है हम दोबारा से बेजियर पर जाएंगे और एक और इसी तरह से शेप बनाएंगे। तो देखिए शेप को कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेयर वाला ऑप्शन पर चले जाएंगे और उसके बाद जो है इन दोनों को बेजियर को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मर्ज कर देंगे, मर्ज हो चुका है। अब उसके बाद इसी हेक्सागन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से इसके कलर को हम ब्लैक कलर सेट कर देंगे, तो ब्लैक कलर प्रॉपर जिससे हो जाए। तो अभी देखिए हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे स्ट्रोक पे, और स्ट्रोक पे जाने के बाद जो है ब्लैक कलर सेट कर देंगे यहाँ पर, और जितना भी ये फिनिशिंग नहीं हुई है इसमें ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, स्पेस जो दिख रहा है बीच में, इस स्पेस को भरने के लिए जो है इस पर हम स्ट्रोक दे देंगे, ठीक है। तो देखिए सारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए शेप कुछ इस तरह से हमारा होने के बाद जो है इसको प्रॉपर जो है इस तरह से हम सेट कर देंगे सेंटर में, ओके।
देन इसके बाद जो है यहाँ पर हेक्साकोन पे चले जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको कॉपी कर लेंगे और इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसको हम लॉक कर देंगे एक को, और दूसरे वाले को सिलेक्ट करने के बाद जो है सही ढंग से प्रॉपर सही स्थान पर सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया है। अब अगेन जो है हम यहाँ से हेक्साकोन पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर जो पहले से बना रखे थे उसको लॉक कर देंगे, इस कॉपी वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए हेक्साकोन में ही सबसे ऊपर टॉप पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रॉप। यहाँ से देखिए क्रॉप इसको हम कर लेंगे, तो क्रॉप करने के लिए कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर इतना क्रॉप कर लेंगे इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए क्रॉप हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर शेप को सेट कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे अगेन जो है लेयर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जो है अब इस बार जो है सारा शेप जो है भी है सबको सिलेक्ट कर लेंगे और एक साथ जो है मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मर्ज करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे, तो कम्प्लीटली सारा कुछ हो चुका है। अगेन उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन पर चले जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और न्यू टेक्स्ट इस तरह से आएगा, इसको पकड़ के गायब कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा लोगो बना है और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट है, इसको एक दूसरे के साथ जो है मर्ज कर देंगे, ओके। अब उसके बाद जो लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हेक्साकोन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर इरेजर, इससे ही यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसको हम जो है रिमूव करेंगे, ठीक है। ये जितना भी पार्ट दिख रहा है इसको हम रिमूव करेंगे, कैसे करना है उस चीज़ को हम सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद जो यहाँ पर हम चले जाएंगे हेक्साकोन पे, और यहाँ पर जाने के बाद जो है इरेजर पर क्लिक कर देंगे और देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर देखिए कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे जूम हो गया, ठीक है, ये वाला बैक वाला स्पेस हो गया, और यहाँ पर देखिए ये इरेजर साइज बढ़ाने के लिए है, यहाँ पर इरेजर को ऊपर पकड़ने के लिए है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं उस चीज़ से, उस हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जिस पार्ट को हमें रिमूव करना है उस जगह पर हम एकदम से फुल साइज जो है जूम कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद जूम पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ से हम ब्रश के साइज़ को कुछ इस तरह से इन्हेंस करेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत आराम से जो है यहाँ पर हमें इसको बनाना होगा, रिमूव करना होगा, जिससे कि हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो देखिए कुछ इस तरह से है, आपको बहुत ही बारीकी से रिमूव करना है जैसे हमने किया, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से जूम पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे जहाँ पे दूसरी जगह पार्ट को रिमूव करना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद आके आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा पार्ट जो था उसको रिमूव कर दिया है और हमारा लोगो जो है परफेक्टली दिखने लगा है। तो उसके बाद यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन दिख रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए अभी लोगो कुछ इस तरह से आपका बन चुका है। देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाएंगे 3D शेप पर और इसको इनेबल कर देंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमारा शेप बनकर आ चुका है। ओब्लिक पर जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम इस वाले पॉइंट पर इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम मूवमेंट कराएंगे इसको, ठीक है। देखिए अभी सही हो चुका है। दोबारा से जाएंगे 3D ऑप्शन पर और यहाँ से इसकी डेप्थ को हम कम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेप्थ को हमने 2% रखा हुआ है, और देन उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे, डार्केन 30% रखा हुआ है, ऑब्लिक्यू एंगल 36 पर हमने सेट किया है, और यहाँ पर जो आपका जो लाइट एंगल है इसको भी हमने 7% पर सेट कर लिया। देन उसके बाद इंटेंसिटी 80 पर है, शैडो 50 पर है, स्पेकुलर हार्डनेस जो है 62 पर है। उसके बाद जो इसको हम ओके कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है इम्बोस, इस पर हम क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे और इम्बोस को कुछ इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए इतना सब कंप्लीट होने के बाद जो है इसको हम टिक कर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं अगर ब्लैक बनाना है हमें तो इसी कलर का रखेंगे, अगर इस पर हमें टेक्सचर अप्लाई करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर चले जाएंगे, टेक्सचर दिखेगा हेक्साकोन पर और यहाँ पर जो है हम टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए टेक्सचर हमारा कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से हम इस तरह से क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा टेक्सचर को और यहाँ से इस तरह सेट करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, और उसके बाद जो है टेक्सचर पर जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। तो अब जो है देखिए यहाँ पर लाइट ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको हम दोबारा से सेट करेंगे। अगर आप ब्लैक करना चाहते थे नॉर्मल तो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्बोस वगैरह जो इसकी इंटेंसिटी वगैरह है उसको हम कम करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बैकग्राउंड सेट करेंगे, तो यहाँ पर
प्लस पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, बैकग्राउंड जो है सेट कर लेंगे। तो देखिए बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसको यहाँ पर हेक्सागन में ही टू बैक का ऑप्शन दिखेगा, टू बैक कर देंगे, कुछ इस तरह से सेप हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, बैकग्राउंड को लॉक कर देंगे और यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हेक्सागन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है शैडो, शैडो पर क्लिक करेंगे और इसको शैडो को इनेबल करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हम कुछ इस तरह से शैडो को सेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं परफेक्टली अभी हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। अभी ये YouTube थंबनेल साइज में है, अगर आपको लोगो साइज में सेट करना है तो थ्री डॉट पे चले जाना है, इमेज साइज पे चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद जो है स्क्वायर पे चले जाना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह से जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर हम सेप को इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर इसके साइज़ को हम छोटा बड़े भी कर सकते हैं और सेव करने के लिए सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना होगा, देन उसके बाद सेव टू गैलरी पर सेव कर लेना है। तो देखिए अभी हमारा लोगो बनकर तैयार नहीं हो पाया है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हुआ इस चीज़ को समझिए। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन जाएंगे, बैकग्राउंड को हम लॉक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर डबल स्क्वायर दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है, राइट साइड कॉर्नर पे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर सेव एज, सेव वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको सेव टू गैलरी पर सेव कर लेंगे। सबसे पहले कि जो हमारा लोगो है वो सेव हो जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी परफेक्टली हमारा जो लोगो है वो बनकर रेडी हो चुका है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर हम चले जाएंगे दोबारा से पिक्सल लैब में और यहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर इसको हम लोगो को लॉक कर देंगे, बैकग्राउंड को ले आएंगे और यहाँ पर जो है थ्री डॉट पे जाएंगे और उसके बाद जो इमेज साइज पर जाएंगे, कस्टम पे चले जाएंगे, स्क्वायर पे चले जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस वाले आइकन जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यहाँ से जो हमारा लोगो बना उसको ला कर यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे, कुछ इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। और देखिए ये जो है लोगो हमारा देखने में कितना परफेक्टली लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पहले हम लॉक कर देंगे और जिससे कि हमारा देखने में और अच्छा लगे, तो ये देख सकते हैं। अब इस पर कोई भी बैकग्राउंड आप सेट करना चाहें तो अपने मनपसंद का कर सकते हैं। अगर इसमें कलर सेट करना चाहें, सपोज दैट देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को लॉक कर दिया है, इसमें जाएंगे डबल स्क्वायर पर और बैकग्राउंड जो कलर सेट करते हैं यहाँ से जो भी कलर अगर हम लेना चाहें तो इस तरह से देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं और जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे वो देखने में अच्छा लगेगा। जो भी कलर आपको चूज करना है उस हिसाब से बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर सकते हैं और इस तरह से आप लोगो बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।